गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द वाटर रिसोर्सेज इन नाइन्थ क्लास। कल मैंने आपको वाटर रिसोर्सेज के बारे में बताया था, अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा सोर्स की। अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क एन एक्सपर्ट इन स्वीडन, फाल्कन मार्क जो हैं एक स्वीडिश यानी कि स्वीडन के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने वाटर सिक्योरिटी को बताया है कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 1000 क्यूबिक मीटर से 1600 क्यूबिक मीटर पर ईयर पानी हिस्से में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इरिगेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई और इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगीकरण। किस तरह से इरिगेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में वाटर की इम्पोर्टेंस होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ इसेंशियल फॉर द पॉपुलेशन, नॉट ओनली फॉर डोमेस्टिक यूज़ बट ऑल्सो फॉर मोर ग्रेन प्रोडक्शन। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बताया गया है कि पानी की आवश्यकता घरेलू आवश्यकता के लिए ही नहीं होती, उसका प्रयोग उद्योगों के लिए भी और सिंचाई करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इरीगेटेड लैंड कैन बी ग्रोन ओनली बाय एक्सप्लॉयटिंग वाटर रिसोर्सेज एक्सेसिवली टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड कल्टीवेटेड इन ड्राई सीजन एज वेल। यानी कि जिन एरियाज़ में पानी बहुत कम यानी कि रेनफॉल बहुत कम होता है, उन एरियाज़ में भी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम वाटर रिसोर्सेज के थ्रू इरीगेट करते हैं अपनी क्रॉप्स को। मोस्ट फार्मर्स ऑफ इंडिया आर इंक्रीजिंग देयर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बाय इरीगेटिंग देयर फील्ड्स विद प्राइवेट वेल्स एंड ट्यूबवेल्स। भारत में बहुत से किसान अपनी खेती को अपने खेतों में पानी का प्रयोग करने के लिए प्राइवेट वेल्स और ट्यूबवेल्स का प्रयोग करते हैं। ड्यू टू एक्सेसिव यूज़ ऑफ वाटर इन इरीगेशन, ग्राउंड वाटर लेवल इज़ फॉलिंग डाउन और देयर इज़ ए कंटिन्यूस डिक्रीज इन द वाटर अवेलेबल टू द पीपल। यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसका जो ग्राउंड लेवल है वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, जिससे लोगों को पानी की उपलब्धता का संकट का सामना करना पड़ता है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, देयर हैज़ बीन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेज़ी से औद्योगीकरण हुआ है। टुडे मल्टीनेशनल कंपनीज एंड स्प्रीड एज लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया। प्राइवेटाइजेशन और मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं लार्ज स्केल पर अपने इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर रही हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज़, उद्योगों के प्रगति के कारण द प्रेशर ऑफ रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज इज़ इंक्रीजिंग। यानी कि जल का जो रिन्यूएबल लेवल है यानी कि जो पानी को रिन्यू करने का जो प्रोसेस है वो बढ़ने लगा है। यानी कि पानी एक होता है बट उसको किसी अनेक तरीक़ों से प्रयोग में लाया जाता है, उसको कहते हैं नवीनीकरण। इन एडिशन टू एक्सेसिव वाटर इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो नीड एनर्जी फॉर देयर ऑपरेशन विच इज़ रेप्लीट वाटर सिक्योरिटी इन इंक्रीजिंग इन सच ए सिचुएशन। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, वाटर का रिन्यूएबल नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे सामने एक जल संकट आने लगेगा। अर्बनाइजेशन एंड वाटर पोल्यूशन, देखेंगे शहरीकरण और जल प्रदूषण किस तरह से अर्बनाइजेशन होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, शहरों को बसाया जाना, ठीक है। अर्बनाइजेशन एंड वाटर पोल्यूशन हैव ऑल्सो लेड टू एन इंक्रीज इन वाटर सिक्योरिटी। शहरीकरण होने के कारण वाटर के अंदर क्या होने लगा, पोल्यूशन होने लगा। ड्यू टू द इंक्रीजिंग पोल्यूशन एंड अर्बन लाइफ स्टाइल इन द सिटीज़, शहरों में एक शहरीकरण शैली का प्रयोग किया जाने लगा। नॉट ओनली द नीड ऑफ वाटर एंड एनर्जी हैज़ इंक्रीज बट द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इट हैव इंक्रीज फर्दर।
शहरों को बसाए जाने के बाद न केवल इनकी यानी कि जल की मांग होने लगी और बल्कि एक समस्या का भी सामना होने लगा कि जल संकट जो बढ़ रहा है और जो ऊर्जा के साधन कम हो रहे हैं, इसके कारण लोगों के सामने एक समस्या होने लगी। ओवर यूजिंग वाटर रिसोर्सेज एंड पोल्यूटिंग दी अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो, यानी कि जल का अधिक मात्रा में प्रयोग करना और जल को दूषित करना। वाटर पोल्यूशन इज बिकमिंग ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ वर्षों में जल प्रदूषण एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम, यह एक गंभीर समस्या है। इट इज पॉल्यूटेड बाय डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स यूज्ड इन एग्रीकल्चर डिस्पाइट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट वाटर फॉर द नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि एग्रीकल्चर काम को करने के लिए, खेती संबंधित काम को करने के लिए जो हम केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं कृषि में, डिस्पाइट दी अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशेंट वाटर फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल, सच वाटर इज़ हाईली हार्मफुल फॉर ह्यूमन लाइफ। जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उनसे जो वाटर पॉल्यूट होता है वो ह्यूमन बींग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होता है। एक्स्ट्रा सोर्स देखते हैं। ऑन वन हैंड देयर इज नो सैक्रिसिटी ऑफ वाटर इन इज़राइल विद एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ 25 सेंटीमीटर, इज़राइल में केवल 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है प्रत्येक वर्ष, वाइल ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में इंडिया विद 114 सेंटीमीटर, भारत में 114 सेंटीमीटर एवरेज एनुअल रेनफॉल होती है। प्रॉन टू ड्रॉट इज इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया सम पार्ट ऑफ द ईयर, भारत में कुछ हिस्सों में पूरे साल सूखा पड़ता है। ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन इंडिया एंड इट्स नेचर, द रेन वाटर फ्लोज रैपिडली इन टू द रिवर ड्रेन्स एंड फ्लो इन टू द सी, जब रेनफॉल होता है, रेनफॉल होने के बाद में रिवर से वाटर फ्लो होते हुए वो तेज़ी से कहाँ जाता है, वो सीज में मिल जाता है। विच इज़ अबाउट 9 months आफ्टर द रेन्स देर इज सैक्रिसिटी ऑफ वाटर फॉर द कंट्री, एक्वेटिक डेप्लीशन इन इंडिया कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट से वाटर का जो हमारा डाउन लेवल है हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं। नीड्स फॉर प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट, हमारे देश में प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट की आवश्यकता है। इन इंडिया, भारत में द नीड ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, भारत में जो इरीगेशन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी जो डिमांड है वो निरंतर बढ़ रही है। बट द सप्लाई ऑफ क्लीन वाटर इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, परंतु जो स्वच्छ पानी है उसकी जो सप्लाई है वो धीरे धीरे कम हो रही है। डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर, इट्स एक्सप्लॉयटेशन एक्सेसिव यूज इन वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी ड्यू टू इट्स अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके कारण ये ऐसी समस्या क्यों है, क्योंकि भारत में जल का असमान पाया जाना। कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द एनुअल नेचुरल इकोसिस्टम, यानी कि जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है हमें उसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है फ्रॉम डेग्रेडेशन, इसके पतन के लिए। इससे क्या होगा, पानी का पतन होने लगेगा या पानी ख़त्म होने लगेगा। द रिवर हैव बीन पॉल्यूटेड ड्यू टू एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन,
मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण नदियों का जो जल है वो दूषित होने लगा है। दिस प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग डे बाई डे, ये प्रॉब्लम दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इन इंडस्ट्रियलाइजेशन सॉरी इन दिस सिचुएशन, इन परिस्थितियों में एंटायर लाइफ इज डेंजर, पूरा जीवन जो है खतरे में आता है। दिस सिचुएशन कैन बी रिजॉल्व्ड ओनली व्हेन प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज डन, यदि वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जाता है तो हम इस संकट का सामना कर सकते हैं। यूज़ ऑफ वाटर इज इंक्रीजिंग मोर एंड मोर, ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ वाटर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी कि जो हम क्रॉप्स उगाते हैं अपने खेतों में वो हमारी जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है। अगर जल की उपलब्धता अच्छी है तो फसल भी अच्छी होती है। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड डोमेस्टिक यूज़, जल का प्रयोग पीने के लिए भी और घरेलू उपयोग के लिए भी किया जाता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ सिटीज़ एंड अर्बन लाइफ स्टाइल द डिमांड ऑफ वाटर इज़ इंक्रीजिंग कंटिन्यूसली, शहरों में जल की जो मांग है निरंतर अधिक जनसंख्या होने के कारण वो बढ़ रही है। इन सच ए सिचुएशन प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट इज मैंडेटरी टू एंश्योर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई टू क्लीन वाटर इन फ्यूचर, वाटर मैनेजमेंट के माध्यम से ही हम भविष्य में जल की उपलब्धता इजीली करा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ए ब्रीफ प्रपोजल फॉर वाटर कंजर्वेशन इज़ द फॉलोइंग, मेरे विचार के अनुसार वाटर मैनेजमेंट के जो तरीके हैं उन तरीक़ों से किस तरह से हम अपना जल को बचा सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ पीपल शुड बी फॉर्म्ड फॉर वाटर कंजर्वेशन, लोगों के समूह के द्वारा वाटर कंजर्वेशन यानी कि लोगों को जल का संरक्षण करना चाहिए। दिस ग्रुप शुड इंक्लूड नेबर्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स, यानी कि हमारे पड़ोसी मित्र और परिवार के सदस्य और हमारे संबंधी रिलेटिव्स मिल करके वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। वाइल क्लीनिंग टीथ द टैप शुड नॉट बी लेफ्ट ओपन, यानी कि हमें दांत साफ करते समय अपनी टंकी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए। बकेट्स एंड मग्स शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए शावर और बाथ टब फॉर बाथिंग, हमें केवल बाल्टी मग में पानी तभी करना चाहिए तब हम नहा रहे हों। द टैप शुड नॉट बी रन कंटिन्यूसली वाइल वॉशिंग द अटेंशल्स, बट द अटेंशन शुड बी क्लीन्ड बाय ए लार्ज वसल फिल्ड विद वाटर, यानी कि हमें अपने बर्तनों को भी एक बड़े बर्तन में धोना चाहिए पानी करके। ओनली प्लांट्स विद लेस वाटर रिक्वायरमेंट शुड बी प्लांटेड इन दी होम गार्डन, यानी कि जो पानी हमने यूज़ किया है हम उस पानी को अपने प्लांट्स में डाल सकते हैं। दी वाटर कमिंग आउट ऑफ द किचन एंड बाथरूम शुड बी यूज अगेन इन द गार्डन्स, यानी कि हमारे बाथरूम से और किचन से जो पानी आता है वेस्ट वाटर हमें वो अपने गार्डन में यूज़ करना चाहिए। वाटर कंट्रोल्ड ऑन द रूफ एट द टाइम ऑफ रेन शुड बी कलेक्टेड इन द टैंक एंड यूज इन वाटर रिचार्ज, यानी कि जिस टाइम पर वर्षा होती है हमें उस वर्षा जल को हमें एक टैंक में सुरक्षित करना चाहिए। द टैप शुड बी सील्ड वेल आफ्टर यूज़, और पानी की टंकी को प्रयोग करने के बाद अच्छे से बंद करें। इफ़ वाटर टेक्स फ्रॉम द टैप इट शुड बी रेक्टिफाइड इमीजिएटली, अगर पानी हमारा लीक होता है टैप से तो हमें उसे तुरंत ठीक करना चाहिए। मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, डियर फ्रेंड्स ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके आगे का टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा, क्योंकि यहाँ से हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर बनता है बोर्ड क्लासेस में भी और आप लोग भी
इसे बहुत अच्छे से समझें, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। ओके स्टूडेंट्स, द इंफॉर्मेशन ऑफ गैदर्ड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकली साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशंस एंड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स दैट सिंस एंशियंट टाइम इन इंडिया एक्वेटिक स्ट्रक्चर सच एज डैम्स, प्राचीन समय से ही भारत में जल को संरक्षित करने के लिए डैम्स का, पुल का प्रयोग किया जाता था, ठीक है, डैम्स का, बांधों का प्रयोग किया जाता। रिजर्वोरियस जैक्स, एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स वर बिल्ट फॉर इरीगेशन, और बांधों के माध्यम से और नहरों के माध्यम से हम झीलों के माध्यम से खेती करते थे। दे आर ऑल्सो बींग कंस्ट्रक्टेड इन मॉडर्न इंडिया, अब इन्हें मॉडर्न इंडिया में कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वाज रिफाइंड स्टेट ऑफ द आर्ट डैम हैव बीन कंस्ट्रक्टेड इन मोस्ट ऑफ रिवर बेसिन्स, यानी कि नदी जो समुद्र जो नदियों के तट पर हमने क्या किया है, डैम्स बनाए गए हैं, जिसके कारण क्या होता है, हम जब रिवर में ओवरफ्लो वाटर होता है, हम उस ओवरफ्लो वाटर को डैम्स में गैदर कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, और उसके बाद में जब रिवर का वाटर फ्लो बहुत लो हो जाता है तो हम वहीं से उस पानी को रिलीज़ करके अपनी रिवर फ्लो सिस्टम को मेंटेन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कृषि संबंधित कार्य आसानी से हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। ट्रेडिशनल डैम्स, रिवर्स एंड रेन वाटर वर कलेक्टेड एंड मेड अवेलेबल फॉर इरीगेशन इन प्रेजेंट टाइम्स, वर्तमान समय में डैम्स आर नॉट ओनली बिल्ट फॉर इरीगेशन बट दे आर एम्ड एट पावर, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था इनसे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। इसके आगे का टॉपिक मैं आपको कल कराऊंगा। डियर स्टूडेंट्स, ओके, गुड बाय।